देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर जैसी नगर मध्य प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति भोक्ता जहां पर संरक्षण सहकारी विभाग मंत्री गोविंद सिंह जहां पर राजपूत के प्रमुख अतिथि के जिला स्तरीय लोग कल्याण शिविर का किया गया आयोजन। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज जेसी नगर की प्रमुख समस्या पेयजल हेतु नवीन नल जल योजना हेतु 3,61,00,000 रुपए से बनने वाली टंकी का भूमि पूजन किया और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। श्री सिंह ने नगर के तालाब से राम जी के मंदिर तक बनने वाले सीसी रोड का भी भूमि पूजन किया। इसी प्रकार लोक कल्याण शिविर में सभी विभागों पर पहुंचकर शासन की योजनाओं की जानकारी दी और सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया। सरकार में और भाजपा की सवा महीने की सरकार में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? सुनो देखिए, पिछले 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे हाथ पीछे से बांध दिए गए हों। विकास कार्य नहीं हो रहे थे, क्षेत्र के काम नहीं हो रहे थे और यहाँ तक कि मैं मंत्री रहते हुए भी अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहा था। और मुझे अब खुशी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अगुवाई में भाजपा सरकार में जब से मैं शामिल हुआ हूं विकास की रफ्तार शताब्दी की तरह तेज दौड़ रही है। आज मैं जैसी नगर में खड़ा हूं और जैसी नगर क्षेत्र के लिए ही करीब 100 करोड़ रुपया के भूमि पूजन और उद्घाटन कार्य स्वीकृत किए हैं। जैसी नगर में सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल की। यहाँ कई सालों से लोग पानी को तरस रहे थे। 3.5 करोड़ रुपया मैं लाया हूँ जिसमें नल जल योजना शुरुआत होगी, घर घर में पानी की व्यवस्था होगी और आज वो योजना की शुरुआत में कर रहा हूँ। इसके साथ साथ युवाओं के लिए बहुत दिन से मांग थी कोई स्टेडियम की, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि शिवराज सिंह चौहान जी से मैंने बात की और 2 करोड़ रुपया आज मैं जैसी नगर में स्टेडियम के लिए भी लाया हूँ। तो करोड़ों रुपया के रोड, नल जल योजना, स्टेडियम, मंगल भवन जो बन रहा, जन समस्या निवारण शिविर भी था और बहुत सारे लोगों में गरीबी रेखा में नाम कट गए थे, हजारों की तादाद में गरीबी रेखा में नाम हमने जुड़वाए हैं। और मुख्य रूप से जैसी नगर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए 3.5 करोड़ रुपया का भूमि पूजन किया है। नल जल योजना, घर घर पानी जाएगा। यहाँ पर एक स्टेडियम की बहुत पुरानी मांग थी, 2 करोड़ रुपया का बड़ा स्टेडियम बनेगा और यहाँ सब मिला के आज करीब 125 करोड़ रुपया के भूमि पूजन हुए हैं। जो विकास का पहिया कांग्रेस सरकार में रुक गया था वो विकास का पहिया शिवराज सिंह सरकार में और मेरे दोबारा भाजपा सरकार के मंत्री बनने के बाद अब दौड़ रहा है और मुझे लगता है कि अगले 3 साल में सुर्खी में विकास न केवल दिखेगा बल्कि जो जो योजनाओं की भूमि पूजन हमने किए हैं वो सब बनकर पूरे हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि हाँ विकास शुरू हुआ है। शिवराज सरकार की पिछली रिज्यूम में जो सुर्खी और बलेरा को नगर पंचायत बनाया था पर कमलनाथ सरकार ने नोटिफिकेशन कमलनाथ सरकार ने रोक दिया था। बलेरा और सुर्खी नगर पंचायत की घोषणा की थी पर कांग्रेस सरकार ने उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन मैं जल्दी ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मेरी बात हुई है और सुर्खी और बलेरा नगर पंचायत पुनः बनेगी और जैसी नगर वालों ने आज नगर पंचायत की बात रखी है मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुँचाऊंगा और मुझे विश्वास। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस